हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे कड़ों पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और अगर आप यहाँ पे एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज करते हो, यहाँ पर एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन से यहाँ पर एयरटेल कस्टमर का अगर आप सिम स्वैप करते हो, तो यहाँ पर जो है जस्ट अभी अभी यहाँ पर सिम स्वैप को लेकर एक नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो अपडेट क्या है उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल पर प्रेस कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिम स्वैप को लेके जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो है अब एयरटेल कस्टमर का सिम स्वैप करते वक्त यहाँ पर आपको ई केवाईसी के द्वारा अब आप यहाँ पर जो है सिम स्वैप कर सकते हो। यहाँ पर अभी तक आप करते आ रहे थे यहाँ पर एयरटेल कस्टमर का सिम स्वैप करते वक्त यहाँ पर आप कस्टमर का डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक साइड का यहाँ पर जो है फ़ोटो लेते आ रहे थे, लेकिन जो है अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आने वाला दिनों में सिर्फ आप जो है यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालकर जो है आप यहाँ पर कस्टमर का सिम स्वैप कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इजीली कस्टमर का जो है सिम स्वैप के जरिए यहाँ पर कस्टमर का खोया हुआ सिम कार्ड को, यहाँ पर जो है कस्टमर का डैमेज सिम कार्ड को आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के जरिए मैं आपको इसी अपडेट के बारे में बताने वाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल पर प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल जो हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।